स्वातंत्र्य वीर सावरकर के जीवन पर लिखी एक पुस्तक का विमोचन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं कह सकता हूं इस पुस्तक के बारे में, यह पुस्तक बहुत ही परिश्रम और शोध के बाद तैयार की गई है। मैं इस किताब के लेखक श्री उदय माहुरकर जी और साथ ही साथ उनके साथी लेखक चुराई पंडित जी को इस प्रकाशन के लिए अपनी हार्दिक बधाई भी देता हूं और भविष्य के लिए मैं अपनी उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। उदय माहुरकर जी को जो हम केवल एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जानते थे, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जानते थे, प्रतिभाशाली लेखक के रूप में जानते थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, मैं कह सकता हूं वेल रिसर्च यह पुस्तक माहुरकर जी ने लिखी है। तो मैं समझता हूं कि शायद इसके बाद लोग आपको एक प्रामाणिक इतिहासकार के रूप में जानेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वीर सावरकर जी जैसे राष्ट्रनायक के बारे में पढ़ना, समझना और लिखना कोई यह आसान बात नहीं है। वीर सावरकर के जीवन के इतने आयाम हैं, उसे एक किताब में समाहित करना यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है, ऐसा मैं मानता हूं। पर माहुरकर जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, चुराई पंडित जी को, इनको भी, कि दोनों ने न सिर्फ इस काम को सफलतापूर्वक पूरा किया है बल्कि एक ऐसी किताब उन्होंने लिखी है जो सावरकर के जीवन से जुड़ी भ्रांतियों को न सिर्फ दूर करेगी बल्कि उसे सही रूप में प्रस्तुत करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी। एक कहावत है, जब तक शेर अपनी कहानी खुद नहीं कहता तब तक शिकारी महान बना रहेगा। और वीर सावरकर जी के जीवन की कहानी बड़े लंबे समय तक उन लोगों द्वारा बताई गई जो एक खास विचारधारा से प्रभावित थे अथवा एक खास विचारधारा के लोग थे। इसलिए हमारे देश में एक बड़ा तबका वीर सावरकर के जीवन यात्रा को, उनकी विचारधारा को न तो सही तरीके से समझ पाया है और न उनकी देशभक्त उनके महान व्यक्तित्व को समझने की उसने कोशिश की है। और मैं कहना चाहता हूं कि उनके महान व्यक्तित्व और उनकी देशभक्ति से वो अपरिचित रहा है। पर मुझे बेहद खुशी है, पिछले कुछ वर्षों में वीर सावरकर जी के जीवन पर कुछ लोगों ने बहुत ही कड़ी मेहनत की है, अच्छा शोध कार्य भी किया है और एक ईमानदार विश्लेषण भी उन्होंने किया है, जिसका नतीजा यह है कि आज वीर सावरकर के जीवन पर कुछ अच्छी और शोधपरक किताबें हम लोगों को पढ़ने को अब मिल जाती हैं। और मैं आशा करता हूं कि यह किताब भी इस श्रृंखला में एक वैल्यूएबल एडिशन बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं मानता हूं कि जो हमारे राष्ट्रनायक हैं उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व को लेकर आप एक वाद प्रतिवाद यह तो कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपकी हो सकती है, मगर उन्हें एक हेय दृष्टि से देखना, किसी भी सूरत में इसे उचित नहीं कहा जा सकता, किसी भी सूरत में इसे न्याय संगत नहीं माना जा सकता। वीर सावरकर जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। उन्होंने किसी भी विचारधारा के चश्मे से देखकर राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को अनदेखा करना, अपमानित करना, एक ऐसा काम है जिसे मैं मानता हूं कि कभी माफ नहीं किया जा सकता। और वीर सावरकर भारत इतिहास के महानायक थे, हैं और भविष्य में भी वह महानायक रहेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता। आप खुद सोचिए कि देश को आजाद कराने का उनका इरादा कितना मजबूत रहा होगा कि अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें एक नहीं बल्कि दो दो बार आजीवन कारावास की सजा दी थी। ऐसे प्रखर राष्ट्रवादी और देशभक्त के ऊपर सवालिया निशान लगाने की, कुछ लोगों की विशेष विचारधारा से प्रभावित होने के कारण की जाती है। तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वीर सावरकर जी के बारे में उन्होंने कहा था, सावरकर का मतलब यह होता है तेज, सावरकर का मतलब यह होता है त्याग, सावरकर का मतलब यह होता है तप, सावरकर का मतलब यह होता है तारुण्य और सावरकर का मतलब यह होता है तर्क।
मैंने कभी भी सावरकर जी ने यह नहीं कहा कि हमारी बातों को आप मानने के लिए मजबूर हो, किसी को कंपेल किया नहीं। डिस्कशन में, तर्क में भी सावरकर जी का विश्वास रहा है, ऐसे भी दृष्टांत पढ़ने को मिलते हैं। उन्होंने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, सावरकर एक व्यक्ति नहीं है, एक विचार है, वह एक चिंगारी नहीं है, वह एक अंगार है, वह सीमित नहीं है बल्कि वह एक विस्तार है। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सावरकर जी के बारे में कहा। देवियों सज्जनों, वीर सावरकर एक प्रखर क्रांतिकारी थे। भारतीय विचार के साथ साथ वे पश्चिमी क्रांतियों और क्रांतिकारियों के विचार से भी प्रभावित थे। शायद आप में से कुछ लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि मेजनी और गैरिबाल्डी जैसे इटालियन क्रांतिकारी वीरों के विचारों का उन पर एक बहुत ही असर था और वे मानते थे कि भारत को आजाद कराने के लिए सशस्त्र क्रांति का भी विकल्प खुला रहना चाहिए था। यह बहुत ही स्पष्ट सोच वीर सावरकर की थी और इस दृष्टि से उन्होंने मित्र मेला अभिनय भारत सोसाइटी का गठन किया ताकि वो अपने जैसे अन्य क्रांतियों के साथ भी वह काम कर सके। कुछ लोग वीर सावरकर को नाजीवादी और फाशीवादी होने का आरोप लगाते हैं। खासतौर पर वे लोग इस प्रकार का आरोप लगाते हैं जो मार्क्सवादी या लेनिनवादी विचारों से प्रभावित रहे हैं या आज भी हैं। सच्चाई यह है कि वीर सावरकर हिंदुत्व के विचार को मानते थे, मगर न तो वो हिंदूवादी थे, न फासीवादी थे, न नाजीवादी थे, बल्कि वे सीधे सीधे यथार्थवादी थे और राष्ट्रवादी थे। अपने भाषणों में और लेखन में उन्होंने बहुत विस्तार से अपने विचारों को बहुत ही बेबाकी के साथ उन्होंने रखा है। यदि हम उन्हें पढ़ें तो पाएंगे कि वे उस वक्त मौजूद हर तरह की व्यवस्था की चर्चा जरूर करते थे। वे बोल्शेविक रेवोल्यूशन की भी बात करते थे तो डेमोक्रेसी की भी, हेल्दी डेमोक्रेसी की भी वीर सावरकर जी चर्चा करते थे। सावरकर के लिए राष्ट्र कोई एक राजनीतिक इकाई नहीं थी, केवल एक पॉलिटिकल एंटिटी नहीं थी, बल्कि एक कल्चरल एंटिटी थी, एक सांस्कृतिक इकाई थी। उनका विचार था कि सांस्कृतिक समानताएं राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। यह उनकी स्पष्ट सोच थी। उनके लिए एक आदर्श राज्य और सरकार वो था जहां नागरिकों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के आधार पर कोई भेदभाव न हो। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, उनके लिए एक आदर्श राज्य और सरकार वो था जहां नागरिकों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के आधार पर कोई भेदभाव न हो। यह वीर सावरकर जी का विचार था। साथियों, हमें वीर सावरकर के हिंदुत्व के विचार को गहराई से समझना होगा और उनके लिए हिंदू शब्द एक या पंथ या मजहब से जुड़ा न होकर भारत की ज्योग्राफिकल और कल्चरल आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ था। और उनका हिंदुत्व का विचार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा से जुड़ा हुआ था, जो यह मानता था कि सिंधु के इस पार रहने वाले हिंदू हैं और यहाँ की संस्कृति भी हिंदू है। जो लोग इस भारत भूमि को अपनी पुण्य भूमि, पितृभूमि या मातृभूमि मानते हैं, वे सभी हिंदू हैं। यह सावरकर जी का विचार है, चाहे वे किसी भी मजहब को मानते हैं। यदि उनकी निष्ठा भारत की संस्कृति और संस्कारों में है तो वह हिंदू हैं। यह उनकी एक विचारधारा थी, एक उनकी यह सोच थी। लेकिन इस सोच पर भी बहुत सारे लोगों को आपत्ति होती है, आपत्ति किसी को भी हो सकती है, लेकिन वीर सावरकर जी की इन सब सारी विचारों के कारण जो उनसे नफरत करना, मैं समझता हूं इसके औचित्य को कोई स्वीकार नहीं करेगा। साथियों, सावरकर के लिए देश सबसे पहले था। वे बड़ी बेबाकी के साथ कहते थे कि भारत का किसी भी देश से संबंध इस बात पर निर्भर करना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय हित और सुरक्षा नीति के वह कितना अनुकूल है या कैसी सरकार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तो यहां तक कहते थे कि दूसरा देश भारत के हितों के अनुकूल हो और वह जब तक वह अनुकूलता बनी रहे तभी तक वह हमारा मित्र है। यह एक ऐसा प्रैग्मेटिज्म है जो आज की दुनिया की डिप्लोमेसी की एक नई करेंसी है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि वीर सावरकर 20वीं शताब्दी के भारत के सबसे पहले और सबसे बड़े सैन्य कूटनीतिक सामरिक विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने आजाद भारत के लिए एक रोबस्ट डिफेंस एंड डिप्लोमेसी डॉक्ट्रिन भी देश की जनता के सामने रखा है।
और सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल किए, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतया जो एक कैदी को एक पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से ये अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी, लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। यह सब सारी बातें बेबुनियाद और गलत हैं। सावरकर ने भारत के लोगों को गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए प्रेरित किया था। उस समय देश में प्रचलित छुआछूत की कुप्रथा के खिलाफ उनके विचार और कार्य दोनों ने डॉक्टर अंबेडकर को भी प्रेरित किया था। उन्होंने हमेशा सहबोध, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय विवाह और विधवा विवाह, नारी शिक्षा, मंदिरों में सभी जातियों के प्रवेश के लिए लड़ाई लड़ी। वे सही मायनों में एक सोशल रिवॉल्यूशनरी थे। राष्ट्रवाद सावरकर की विचारधारा का अभिन्न अंग था, पर मानवता उसका आधार था। भारत को साथियों, भारत को सामरिक और सांस्कृतिक रूप से एकजुट रखने में उनका प्रयास कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ लोग तो इस सीमा तक नफरत करते थे। मुझे याद है कि 2003 में भारत की संसद में एक वीर सावरकर के चित्र का अनावरण होना था। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने उसका बायकॉट किया, केवल पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। ऐसे ही पोर्ट ब्लेयर में जब एक प्लाक लगवाया गया था तो दूसरी सरकार ने आने के बाद उस प्लाक को जो हटवा दिया। इस सीमा तक नफरत। साथियों, शायद आप लोगों को इस बात की भी जानकारी होगी कि जब 1942 में कांग्रेस राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के प्रस्ताव को पारित किया तो वीर सावरकर ने उसका मुखर विरोध किया, क्योंकि वे जानते थे कि इसका क्या दुष्परिणाम होगा। उसी साल कांग्रेस ने यह प्रस्ताव भी पारित किया था कि अंग्रेज भारत छोड़ें मगर उनकी फौज यही रहेगी, इसका भी सावरकर ने डटकर विरोध किया था। मैं मानता हूं कि उदय माहुरकर जी और चिरायू पंडित की यह किताब वीर सावरकर के नई और सही रोशनी को नई सही और सही रोशनी में देखने में हम सभी की मदद करेगी। मेरा स्पष्ट मानना है कि सावरकर एक व्यक्ति नहीं थे, वो विचार थे जो उनकी मृत्यु के इतने साल बीत जाने के बावजूद भी आज भी जिंदा है, और जैसा उदय माहुरकर जी ने कहा आगे भी जिंदा रहेगा और उनकी विचारधारा के अनुयायियों की संख्या निरंतर बढ़ती रहेगी। और मुझे लगता है कि हमारे देश के विद्वानों को सावरकर पर अधिक से अधिक रिसर्च करने की आवश्यकता है और ऐसी कई और पुस्तकें हमको लानी होगी, तब जाकर सही तरीके से लोग उनकी विचार को समझ पाएंगे, उनकी कृतियों को अच्छी तरह समझ पाएंगे। इतने महान विचारक और क्रांतिकारी की विरासत के साथ किए गए गलत को सही करने का केवल और केवल यही तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं है।